मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के बाद अब असदुद्दीन की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है। उसके दो उम्मीदवारों ने कांग्रेस के गढ़ जबलपुर में कब्जा जमाया है। AIMIM के नव निर्वाचित पार्षद समरीन कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक पहुंचाया है, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। आपको मालूम हो कि प्रदेश के 7 नगर निगम भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 2 वार्डो में उसका खाता खुला है। वहीं खंडवा में भी पार्टी ने एक सीट जीती है। बता दें कि प्रदेश में जब नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हुआ था, तब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पार्षद पद के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। सुबह शाह मैदान में उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था। उनका प्रचार करना भी AIMIM की जीत में बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में इसी महीने 6 जुलाई और 13 जुलाई को 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान की मतगणना पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण के मतदान की मतगणना 20 जुलाई को होगी। पहले चरण में AIMIM ने कमाल कर दिया है, मध्य प्रदेश में पहली बार पार्टी के किसी चुनाव में जीत हासिल की है। जबलपुर में AIMIM ने पार्षद की 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं खंडवा में भी 1 सीट पर जीत हासिल की है, जिसको लेकर अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं आप तमाम का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूं कि हालिया बल्दिया के इंतखाबात में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से नवाजा, ख़ास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और रतलाम की आवाम का कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे मौका मिला कि मध्य प्रदेश में आने का, चाहे भोपाल हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, जबलपुर हो, मैं इंदौर को नहीं आ सका, खरगोन और रतलाम में भी नहीं आ सका। मैं आपसे वादा किया हूँ कि इंशाल्लाह जब मुझे पहली फुर्सत मिलेगी, मैं ज़रूर आपके दरमियान में आऊँगा। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वोट भी दिया, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब भी किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यह हमने और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की वोट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों की जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम सदर मुतमदीन का, जिम्मेदारों का, मजलिस के मुबस्सरीन का और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ऑब्जर्वर हैं जनाब सैयद मिनहाज साहब और हक़ नज़ीर साहब का भी आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।